तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है जेरियाट्रिक्स, यानी कि जेरियाट्रिक्स का यदि अपन शब्दार्थ समझें तो इसका मतलब होता है कि बड़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, ठीक है, यानी कि हेल्थ केयर ऑफ एल्डर। ठीक, अब जेरियाट्रिक्स के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है टेक्निकली देखा जाए तो आता है क्लिनिकल जेरेंटोलॉजी, यानी कि जेरेंटोलॉजी किसको बोला जाता है, जेरियाट्रिक्स क्या होता है तो केयर ऑफ ओल्ड पीपल्स, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्तिगत लोग हैं उनका स्वास्थ्य संबंधी ख्याल रखना। ठीक है, फिर आता है जेरेंटोलॉजी, कुछ टर्म्स हैं जिसको हम देखेंगे। तो जेरेंटोलॉजी क्या है, तो बोला गया है कि स्टडी ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेज, ठीक है, ऑफ ओल्ड एज, यानी कि वैसा लॉजिक यानी कि नॉलेज वाली चीज, ठीक है, जिसके अंतर्गत फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेज ड्यूरिंग द ओल्ड एज कंसिडर करी जाती है, वो होती है जेरेंटोलॉजी। फिर ऐसे ही एक सिमिलर शब्द आता है सोशल जेरेंटोलॉजी, क्या होता है, यानी सोशल बोलने का मतलब है कि कुछ चेंजेज आए, तो ऐसा नहीं है, यानी कि सामाजिक रूप से देखो या फिर शब्द वही है, यानी भावार्थ रूप में देखा जाए तो वही फीलिंग है इनमें कि केयर ऑफ, ठीक है, ऑफ द एज्ड, यानी कि बूढ़े जो लोग हैं उनका ख्याल रखना। ठीक, फिर एक और टर्म्स आता है एक्सपेरिमेंटल जेरेंटोलॉजी, क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंटल जो शब्द है यह एक प्रकार से रिसर्च इनटू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑफ एजिंग एंड इट्स साइकोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी एंड साइकोलॉजी, यानी कि जब उम्र ढलती है तो उस व्यक्ति के अंतर्गत क्या बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, यानी बॉडी कैसे एजिंग को प्राप्त कर रही है उस पर रिसर्च करो। ठीक, साइकोलॉजी बुढ़ापे में क्या होता है कि थोड़ी मानसिक स्थिति या व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वो जो साइकोलॉजी होती है उस क्यों आ रही है उस पर रिसर्च। बायोकेमिस्ट्री यानी हार्मोन लेवल डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको समझते हैं, तो वो हो गया बायोकेमिस्ट्री। पैथोलॉजी यानी कि व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ओल्ड एज में या एज्ड पर्सन में पैथोलॉजी या कोई भी इन्फेक्शन होने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं, तो इन पर आप एक्सपेरिमेंट करें। और साइकोलॉजी यानी कि व्यवहारिक रूप से देखा जाता है कि जो बूढ़े पर्सन होते हैं काफ़ी गुस्सा करते हैं या फिर चिड़चिड़ाहटपन होती है उनमें, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत स्वभाव कैसे परिवर्तित हो रहा है, इन सारी चीज़ों को के संदर्भ में एक्सपेरिमेंटल जेरेंटोलॉजी टर्म्स प्रयोग करी जाती है। ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला के संक्षेप में बोला जाए तो यही है कि जेरेंटोलॉजी या जेरियाट्रिक्स यदि बात करते हैं तो हेल्थ ऑफ एल्डरली जो पर्सन हैं उनके संबंधित जो चीज़ें होती हैं इसकी संदर्भ में इन सारी शब्द प्रयोग हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब रही बात कि जेरेंटोलॉजी को हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक, तो देखिए क्या है कि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत है, जापान जो है वो डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत है, और जब अपन इनके डेमोग्राफी का जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे जो एज्ड पर्सन होते हैं, ठीक, जापान में एज कंपेयर टू यंगर्स, ठीक है, जो एल्डर या एज्ड पर्सन है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव रहता है। ठीक, तो ये जो संदर्भ में है इस यानी कि किसी भी ओल्ड पर्सन की साइकोलॉजी पैथोलॉजी, ठीक है, और उसका बायोकेमिस्ट्री, ये सब और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना ही, ठीक है, एक प्रकार से आप जेरियाट्रिक्स के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं। अब रही बात कि जेरियाट्रिक्स में और क्या चीज़ें अपन देखेंगे, तो जैसे देखिए कि जेरियाट्रिक्स की यदि बात करें तो एज ग्रुप क्या है जेरियाट्रिक्स के अंदर, इंडिया के अंतर्गत एज ग्रुप क्या निर्धारित किया गया है, तो इसमें बताया गया है कि 60 ईयर या एबव तक जब पर्सन चला जाता है तो उसको यदि ओल्ड पर्सन मान के चलते हैं, और 8.1% ऑफ पॉपुलेशन
ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, जो इटली एंड जापान हैज़ ए हाईएस्ट नंबर ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी जापान और इटली है तो वहाँ की जो पॉपुलेशन लेवल है उसमें क्या है कि 8.1% ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा यदि बात किया जाए तो जापान इटली में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, उनकी रेशियो अदर कंट्रीज के तुलना में अधिक है। अब देखते हैं आगे कुछ चीज़ें, जैसे क्या है कि यदि हम बात करें कि हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यदि एज के साथ यदि हम अपन हेल्थ प्रॉब्लम की चर्चा करें तो कौन सी चीज़ें हैं जो एज के साथ मिलेंगी, तो प्रॉब्लम ड्यू टू एजिंग, ठीक है, पहला फैक्टर हो गया अपना प्रॉब्लम ड्यू टू एजिंग। दूसरा क्या है कि प्रॉब्लम्स ड्यू टू लॉन्ग टर्म इलनेस, यानी कि बूढ़ों में क्या होता है कि कोई एक व्याधि हो जाती है, बीमारी हो जाती है तो वो लंबे समय तक चलती रहती है, उसके जो चीज़ लंबे समय तक बनी है उसका भी अदर पार्ट्स पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इन सब संदर्भ में ठीक एक होती है साइकोलॉजी प्रॉब्लम, यानी कि जब आदमी बूढ़ा होता जाता है तो साइकोलॉजी भी उसकी चेंज होती जाती है। तो जो है हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ एज्ड पर्सन, ठीक, क्या क्या हैं, तो अपन ने तीन क्लासीफाई किए इसको कि प्रॉब्लम ड्यू टू एजिंग, यानी उम्र बढ़ने के साथ क्या क्या समस्याएं उस इंसान के साथ जुड़ेंगी, फिर प्रॉब्लम ड्यू टू लॉन्ग टर्म इलनेस, ठीक है, यदि कोई लंबे समय से बीमारी है तो उसका प्रभाव बुढ़ापे पे क्या पड़ेगा, ठीक है, और फिर साइकोलॉजी प्रॉब्लम क्या क्या बनेंगी, ठीक है, ये तीन फैक्टर्स रहे। अब अपन आगे कुछ देखते हैं इसमें, जैसे देखिए कि अब एक एक जो है इनको थोड़ा थोड़ा अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें से पहला रहा अपना कि क्या चीज़ कि एजिंग फैक्टर के बारे में, यानी कि प्रॉब्लम ड्यू टू एजिंग। तो प्रॉब्लम ड्यू टू एजिंग में क्या है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि एज के साथ देखने को मिलेंगी, तो यानी कि अपन सरल भाषा में समझे तो उम्र के साथ कौन कौन सी व्याधियाँ व्यक्ति के बुढ़ापे से जुड़ी ही रहती हैं, यानी कि यदि ये व्याधि का मैं नाम लूँ तो आप समझ सकते हो कि हाँ सामने वाला बंदा ओल्ड पर्सन ही होगा। तो ऐसी क्या व्याधियाँ हैं, जैसे मोस्ट ऑफ केसेस क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यदि मैं बोलूँ, ठीक है, यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस लिखा हुआ है सबसे लास्ट वाला, ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस से आपको समझ में आता है कि हाँ एज आफ्टर मेनोपॉज की जो स्थिति होती है उसमें फीमेल्स में ज़्यादा मिलती है और एज कम्पेयर टू मेल्स में थोड़ा कम रहता है, लेकिन मेल्स में भी बोन्स क्या होती है डीमिनरलाइजेशन हो जाती है तो बोन्स वीक पड़ जाती है। तो एक कैंसर्स मिलते हैं यानी कि एज के साथ मिलते हैं, बड़े बुजुर्गों में मिलते हैं। कैटरैक्ट की बात करें जिसको सरल भाषा में मोतियाबिंद बोलते हैं, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब भी लगता है कैंप में आप जाके देखो तो हमेशा 90% 95% ओल्ड पर्सन ही रहते हैं, ठीक। ग्लूकोमा हो गया और नर्व्स डेफनेस हो गया, तो ये जो प्रॉब्लम है ये बुढ़ापे में मिलते हैं जनरली। तो अपन पहला कवर किया प्रॉब्लम ड्यू टू द एजिंग, ठीक, फिर अपना देखते हैं प्रॉब्लम ड्यू टू लॉन्ग टर्म इलनेस। यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, एज्ड पर्सन है या फिर अपने अपने जो मध्यम आयु काल थी उस दौरान उसने किसी लॉन्ग टर्म इलनेस से सफ़र किया, ठीक है, कोई भी पैथोजन उसको लंबे समय तक बनी रही तो उससे उसके बुढ़ापे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उससे क्या छाप आएगी उसके बुढ़ापे पे, तो ऐसे कौन से पैथोलॉजी हैं या फिर ऐसे कौन सी डिजीज हैं या फिर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जिसका प्रभाव बुढ़ापे पे दिखेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं प्रॉब्लम ड्यू टू लॉन्ग टर्म इलनेस, ठीक है, लॉन्ग टर्म इलनेस की में क्या क्या हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, आपको पता होगा हार्डनेस हो जाती है कैपिलरीज का, ठीक है, और आता है हाइपरटेंशन, फिर आता है कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। ये जो कैंसर ऑफ प्रोस्टेट है ये भी बहुत कॉमन होता है, जब तक आदमी यंगर रहता है तो प्रोस्टेट की समस्या नहीं रहती, जैसे ही यंगर से आदमी ओल्डर की तरफ बढ़ता है तो प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन या प्रोस्टेट संबंधी पेनाइल प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाती हैं, ठीक है। फिर फ्रैक्चर ऑफ फीमर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मिलने की संभावना बन जाती है, अस्थमा, ये सारी चीज़ें हैं जो अस्थमा जैसे लॉन्ग टर्म बीमारी है, ऐसा नहीं है कि कल हुआ टाइफॉइड की तरह, आज हुआ कल ठीक हो जाएगा और कल हुआ तो आज भर रहे, ऐसा नहीं होता, यानी कि आती हैं प्रॉब्लम्स तो लंबे समय तक बनी रहती है, 6 महीने साल भर 2 साल तक आपके बॉडी में सर्वाइव करती हैं।
हाइपरटेंशन हो गया, प्रोस्टेट की स्थिति हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। ये प्रॉब्लम्स क्या हैं कि लॉन्ग टर्म इलनेस कॉज करेंगे। फिर इसके बाद आता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी बोलने का मतलब है कि जो बुढ़ापे में जो विचार होते हैं व्यक्ति के, जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, उससे रिलेटेड चीज़ें, वो क्यों हो जाता है जब बुढ़ापा आता है व्यक्ति का, तो उसमें ऐसा बदलाव क्यों आते हैं, तो उनसे संबंधित कुछ बातें हैं, ठीक है। तो जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या है, पहला तो होता है इम्पेयर्ड मेमोरी, यानी कि उन्हें चीज़ें भूलने लगती हैं, ठीक। तो एक तो ये उनकी प्रॉब्लम है। दूसरा होता है डिप्रेशन। चीज़ें देखिए, डिप्रेशन का जो कारण होता है, चीज़ें होती हैं कि उनके मुताबिक चीज़ें हो ना पाए, ठीक है, या उनको उनकी अवस्था में लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे बोला जाता है कि बच्चे को यदि खिलाना है तो बच्चा बनना पड़ता है, वैसे ही बूढ़े इंसान को यदि समझना है तो आपको अपनी जो तार्किक बुद्धि है उस लेवल तक लेके जानी पड़ेगी कि हाँ, उस व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को क्या समस्या है और वो किस भाव में कहना चाह रहा है। तो उसके लिए अपन को, यदि आप उसको कन्विंस नहीं कर पाओगे, ठीक है, या फिर आप उल्टे जवाब दोगे, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति एक प्रकार से डिप्रेशन को फेस करता है, और वो भी ओल्ड एज के दौरान। और सबसे लास्ट है जो सोशल माल एडजस्टमेंट। तो सोशल माल एडजस्टमेंट क्या है कि ये वैसी स्थिति है, जैसे मान लीजिए मैं आपको आपके एग्जाम्पल से कोरिलेट करके बताता हूँ। आप हैं, आपके दो चार दोस्त लोग होंगे, ठीक है, मान लेते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर अदर, बस बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे समझ लीजिए, यानी कि कुल मिला के आपके चार दोस्त हैं, पांच दोस्त हैं, जितने भी आप अपना रख लीजिए। अब क्या हुआ, अभी आप तो यंग हैं, फिर आप कुछ समय बाद ओल्ड पर्सन बनोगे। अब क्या है कि आपने की जो फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक में बैठते हैं, सारे फ्रेंड्स के आसपास क्लिनिक है, सब लोग शाम में कहीं एक जगह मिलते हो और बातचीत करते हो। अब क्या हुआ, आप सभी सब लोग बूढ़े हो चुके हो, फिर भी क्लिनिक चल रही है आपकी। उसमें से क्या हुआ कि कोई एक आपका फ्रेंड एक्सपायर हो गया, फिर कुछ समय बाद दूसरा फ्रेंड एक्सपायर हो गया, फिर तीसरा फ्रेंड एक्सपायर हो गया। ऐसे करते करते आप सिंगल बच गए, यानी कि आप जिनके साथ पूरा जीवन जिए, ठीक है, अपनी आयु गुजारे, उनके साथ सुख दुख बांटे, हंसे खेले कूदे, वो सारी चीज़ें यदि हट जाए आपके जीवन से अचानक से, और उसके बाद आपको जीवन यापन करने को कहा जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसको बोलते हैं सोशल माल एडजस्टमेंट। तो बुढ़ापे में जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है उसके उम्र के साथ, तो इसको बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत सोशल माल एडजस्टमेंट। ठीक, मान लीजिए आप हैं, पूरी लाइफ आप अपने पत्नी के साथ जीवन यापन करेंगे, और आपकी पत्नी या फिर आप पत्नी हैं तो आपके पति की मृत्यु हो जाने के उपरांत, ठीक, आपका जो जीवन होगा उस घर में या फिर उस समाज में, आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करोगे, वही होती है माल एडजस्टमेंट। तो ये काफ़ी, ऐसा नहीं है कि हर एक उम्र में एक एक पड़ाव आता है जहाँ पे कुछ ना कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ती है, तो उसी में से एक होती है सोशल माल एडजस्टमेंट, जो कि बूढ़े व्यक्तियों को अपने लाइफ में जीवन यापन के लिए करना पड़ता है। तो ये हो गई अपना, यहाँ तक अपन देख लिए कि क्या क्या समस्याएँ हैं, उन समस्याओं से में क्या क्या दिक्कतें हैं, जैसे प्रॉब्लम्स ड्यू टू एजिंग, प्रॉब्लम्स ड्यू टू लॉन्ग टर्म इलनेस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब अपन कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं इनमें। जैसे देखिए कि कॉमनली क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें अपन अभी देखने की कोशिश करेंगे जो कि वो होती हैं जो मोस्ट कॉमन मिलते हैं। तो मोस्ट कॉमन एल्डर पर्सन में क्या क्या डिफेक्ट मिलते हैं, तो एक तो होता है आपका, यदि आप बूढ़े हो जाओगे तो बूढ़े लोगों को चश्मा लग जाता है, आपने सबसे ज़्यादा ये देखा होगा। चश्मा लग जाने का मतलब क्या है कि विजुअल इम्पेयरमेंट्स हो गया, ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। फिर लोकोमोटिव डिसऑर्डर, व्यक्ति यहाँ से वहाँ चढ़ नहीं सकता, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, मंदिर के चौखट नहीं लांग सकते, ठीक है, या फिर ज़्यादा लंबा दूरी तय नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें। फिर न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, दिक्कत आती है। फिर कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि मोस्ट ऑफ एजेज में यदि देखा जाए हार्ट अटैक आने के चांसेस तो ओल्डर पर्सन में ज़्यादा रहता है।
कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, ठीक है, अस्थमा, सांस लेने की दिक्कतें, ये सब जो चीज़ें हैं ये जुड़ी रहती हैं एल्डर पर्सन के साथ। और इसमें से सबसे कॉमन क्या है तो विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि थोड़ा से देखने की जो दिक्कत होती है वो बुढ़ापे के साथ आ जाती है, आँखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है। तो एक कॉमनली जो चीज़ें थी उनको अपन ने थोड़ा सा देखा। फिर इसके बाद क्या है, एक छोटा सा कोटेशन है कि मोस्ट कॉमन हेल्थ डिसऑर्डर क्या मिलेगा, तो विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें कि एग्जांपल के तौर पर क्या होता है, कैटरेक्ट, जो बुढ़ापे में क्या होता है मोतियाबिंद की समस्या बन जाती है, ठीक, जिसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन 17th ईयर, ठीक है, और एबव कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, यदि व्यक्ति जो बूढ़ा व्यक्ति है यदि 70 वर्ष से ज़्यादा है, उसकी मृत्यु का जो कारण होता है वो सीवीएस सिस्टम होती है, ठीक है, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंतर्गत कोई दिक्कत आती है, इसकी वजह से उसकी मृत्यु होती है। तो ये दो चीज़ें हो गई कि जेरियाट्रिक्स के अंतर्गत जो बूढ़े व्यक्ति हैं, यदि पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन जेरियाट्रिक्स डिसऑर्डर कौन सी है, आप बोलोगे विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है, और उसमें भी कैटरेक्ट उदाहरण दे सकते हैं आप, ठीक है। यदि मोस्ट कॉमन कॉज बोला जाए कि 70 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के बाद यदि कोई व्यक्ति मर रहा है, तो उसका मरने का जो कारण है उसमें क्या कारण बन सकता है, तो आप बोलोगे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। अब ये तो वो चीज़ें थी कि एक वृद्ध व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, यानी कि उसकी समस्याएँ, ठीक है। लेकिन अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि एक बूढ़े व्यक्ति को, ठीक है, ठीक, एक बूढ़े व्यक्ति को दी जाती है, ठीक है, यानी सरकार दे, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे पेंशन मिलता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ स्कीम्स बताए गए हैं, ठीक, वो चीज़ें बूढ़ों लोगों को, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन, नेशनल सोशल असाइनमेंट प्रोग्राम, ठीक, ये सारी जो जितने भी स्कीम हैं इन सब का ओल्डर पर्सन को बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। जैसे क्या होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। अब इन सब की जो बायोडाटा हैं आप गूगल करके देख सकते हैं कि किसके अंतर्गत या क्या सीमाएं बताई गई हैं और कितने पेंशन के तौर पर क्या राशि मिलती है, क्या शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कुछ मिलते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 नाम यदि आप लिख पाते हैं कि सर्विस ऑफ जो ओल्डर पर्सन है उनको क्या क्या सर्विस मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट के लिए, ठीक है, तो इनमें से 2-3 आप नाम लिख लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कि और चीज़ें थोड़ी सी, एक लास्ट की चीज़ें बची हैं, जिसमें क्या होता है कि डिजीज प्रिवेंशन इन जो ओल्डर पर्सन है, ठीक है, इनमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी डिजीज है जिसको अपन को प्रिवेंट, अब तो बचाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पहले हमने उनके डिफेक्ट्स देखे, प्रॉब्लम्स देखे, फिर हमने वो चीज़ देखी कि उन प्रॉब्लम्स को समाधान करने के लिए सरकार ने क्या क्या कुछ कदम उठाए हैं, उनको देखे, कुछ कुछ स्कीम्स थे पेंशन से संबंधित, तो वो चीज़ें अब अपन देखते हैं कि उनको सुधारा कैसे जा सकता है, यानी लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेज ला के, ठीक है, कम्प्लीटली तो बदला नहीं जा सकता, चूँकि जीवन का एक अंतिम रूप होता है मृत्यु और वृद्धापन की तरफ बढ़ना, ठीक है, तो उधर तो जाना तय है, लेकिन थोड़ा से सुलभ सुगम रहे जीवन यापन, उसके लिए अपन क्या सुधार ला सकते हैं, तो सबसे पहले बताया गया है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत देखते हैं। तो यदि क्या होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्मोकिंग की हैबिट रहती है, ठीक है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, गुड़ाकू, इन सब चीज़ों की आदत रहती है, तो यदि ऐसी आदत है तो उन्हें छुड़ाओ, ठीक, ताकि चीज़ें उनकी जो प्रॉब्लम्स है कम रहें, ठीक, तंबाकू खाते हैं, ठीक, तो उससे क्या होता है उनमें उनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो बॉडी पे दिखेंगे ना, तो इसलिए उन सब चीज़ों को हटाओ। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या कर सकते हो, यानी कि व्यक्ति बूढ़ा है उसको प्राइमरी तौर पर ट्रीट करना है कि हाँ थोड़ी सी उसकी लाइफ स्टाइल सुधर जाए, तो अपन प्राइमरी क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे, तो पहले तो उसकी हैबिट जो है उसको छुड़वाना है, यदि नहीं करता है तो अच्छी बात है, करता है तो छुड़वाओ, ठीक, कम कराते कराते, ठीक है। फिर इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि पैसे हैं आराम से बुजुर्ग इंसान है उसको एसी लगा के कमरे में बैठा हो, ऐसे नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, यानी थोड़ी सी वॉकिंग रहे, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, ठीक है, खाने पीने का जो बैलेंस चीज़ें उनसे मेंटेन करवाओ, फिर फिजिकल एक्टिविटीज कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत होनी चाहिए,
जैसे क्या होता है कि बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो उसको गार्डनिंग का बहुत शौक़ हो जाता है, यानी कि बगीचा है, बगीचे में कुछ ना कुछ वो अपना करता रहता है, यानी कि कुछ कुछ एक्टिविटीज उन्हें खुद से इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। यदि नहीं है उन्हें करवाइए आप, ठीक है। फिर इसके बाद इंजरी प्रिवेंशन, क्या होता है कि बुढ़ापे में कोई इंजरी लग जाती है तो उससे भरने में बहुत समय लगता है, तो प्राइमरी के तौर पर आप उन्हें जैसे क्या होता है, मान लीजिए यदि गार्डनिंग का शौक़ है तो उन्हें शू के साथ, जूते के साथ निकालें, ठीक है, जूते पहन के ही वो अपना कहीं बाहर जाएं, क्योंकि चोट ना लगे। तो ये जो प्राइमरी प्रिवेंशन की चीज़ें हैं उनको आप रख सकते हैं। यदि मान लीजिए वो ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल के समय क्या क्या सुविधाएँ दे सकते हैं, ठीक, यानी कि जिससे इंजरी से बचाया जा सके उन्हें, उन सब चीज़ों का ध्यान रखो। ये प्राइमरी प्रिवेंशन आ गया। अब आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है, यानी प्राइमरी बोलने का मतलब है कि शुरुआती तौर पे आप क्या क्या चीज़ें करके चेंजेज ला लोगे। अब आती सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है कि अब अपन, ये तो पहला तो सामान्य था प्राइमरी, अब थोड़ा सा स्पेसिफिक पे जाते हैं, तो स्क्रीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन, जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी स्क्रीनिंग कराते रहो, ठीक है। ये स्क्रीनिंग कराना, ये सब जो चीज़ें हैं इससे क्या होती है कि ये सेकेंडरी प्रिवेंशन लेवल की बातें आती हैं, ठीक है। आप फर्दर स्क्रीनिंग कराइए हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, कैंसर का, डिप्रेशन का, इन जो प्रॉब्लम्स हैं इन प्रॉब्लम्स का आप स्क्रीनिंग कराइए। टर्शरी में क्या है कि यदि व्यक्ति यदि सही में ठीक नहीं हो पा रहा है, यदि ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर आप उनको सुधारने के लिए कुछ समय के लिए रख सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो अपना था जेरियाट्रिक्स के अंतर्गत चीज़ें हमने देखा। अब रही शॉर्ट में यदि समझे तो जेरियाट्रिक्स, मैंने बताया कि जेरियाट्रिक्स है क्या, फिर जेरियाट्रिक्स से जुड़े हुए क्या समस्याएं व्यक्ति के साथ जुड़ती हैं, ठीक है, और मोस्ट कॉमन क्या क्या समस्याएं हैं जेरियाट्रिक्स में, तो ये चीज़ें अपन देखें। यानी कि जेरियाट्रिक्स में जेरेंटोलॉजी शब्द आई, सोशल जेरेंटोलॉजी आई और एक्सपेरिमेंटल जेरेंटोलॉजी आई, तीन शब्द आए। फिर इंडिया में क्या एज डिसाइड किया गया जेरियाट्रिक्स के लिए, तो 60 वर्ष या उससे अधिक का जो एज है वो जेरियाट्रिक्स के लिए कॉमन है, ठीक है। फिर हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ एज्ड, क्या क्या समस्याएँ जुड़ सकती हैं, तो प्रॉब्लम ड्यू टू एजिंग, प्रॉब्लम ड्यू टू लॉन्ग टर्म इलनेस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इनसे व्यक्ति सफ़र करता है बुढ़ापे के समय, ठीक है। फिर इसके बाद क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं जिसके वजह से समस्याएं बनती है, तो एक विजुअल जो है कैटरैक्ट, ये मोस्ट कॉमन होता है जो ओल्डर पर्सन में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या क्या गवर्नमेंट द्वारा सर्विसेज हैं जो एक ओल्डर पर्सन को प्रोवाइड किया जाए ताकि वो जीवन को अपना सुगम बना सके, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कीम बता रखे हैं, इसमें से आप फर्दर गूगल कर लीजिए कि कौन सी स्कीम की क्या क्राइटेरिया है, क्या टर्म्स कंडीशन है, कितनी राशि मिलती है बुढ़ापे में सहयोग के लिए, या फिर क्या शर्तें हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट का था प्रिवेंशन की चीज़ें, तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन, तो ऐसे करके अपना आज का टॉपिक समाप्त हुआ जेरियाट्रिक्स, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप अपना कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो स्लाइड रहती हैं या फिर जो PDF या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका रहता है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप समय बचा सकते हैं अपना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।